नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज का विषय है स्लिप डिस्क। इसको हर्निएटेड, प्रोलैप्स्ड और बल्जिंग डिस्क भी कहा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में चार भाग होंगे। पहला, स्लिप डिस्क क्या है और उसके होने के क्या कारण है। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं है, तो उस भाग में हम कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो स्लिप डिस्क से जुड़े हुए हैं। तीसरा, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपको कौन सी ऐसी मूवमेंट, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपकी जो समस्या है वो और ज़्यादा ना बढ़े। चौथा, जिसमें मैं आपको चार आसन बताऊंगी जो आपको रोज़ाना या फिर हफ्ते में कम से कम 3 बार करने हैं ताकि आपको स्लिप डिस्क के दर्द में आराम मिल पाए। अगर दोस्तों आपको सिर्फ आसन देखने हैं तो आप सीधे स्क्रॉल करके वीडियो में आगे बढ़ के सिर्फ आसनों को सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को सहारा देने के लिए रीढ़ की हड्डियां मौजूद होती हैं जिसे बैकबोन कहा जाता है, पर ये एक हड्डी ना होकर के कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो मिल करके हमें सपोर्ट करती हैं। अब इन हड्डियों के बीच से होकर के गुजरती है मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करती है। रीढ़ की हड्डी में कोई चोट ना आए, कोई मोच ना आए, इसके लिए सपोर्ट देने के लिए होती है डिस्क। हमारे शरीर में पूरी 23 डिस्क मौजूद होती हैं, 6 हमारी गर्दन में होती हैं, 12 हमारी पीठ में होती हैं और जो 5 होती हैं वो होती हैं हमारे लोअर बैक में। अब ये जो गद्दियाँ हैं, इनका मेन काम क्या होता है, जो भी हम रोज़ाना की एक्टिविटी करते हैं जैसे चलना, दौड़ना, झुक के सामान उठाना, तो इससे हमें शॉक लग सकता है। उस शॉक से हमें बचाने के लिए ये गद्दियाँ मौजूद होती हैं। अब अगर किसी भी कारण से ये डिस्क अपना काम अच्छे से ना कर पाए तो हमें दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारी जो रोज़मर्रा की गतिविधियाँ हैं उन पर भी असर पड़ने लगता है। पर हमें ये होता क्यों है, इसके चार मुख्य कारण हैं। पहला होता है बढ़ती हुई उम्र यानी कि एजिंग। दूसरा होता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तीसरा होता है अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो किसी भारी सामान को उठाने से हो सकता है या किसी तरीके का बाहर का आघात यानी कि कोई चोट हो सकती है। चौथा होता है दोस्तों धूम्रपान, जिसको स्मोकिंग कहा जाता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके शरीर में निकोटीन ज़्यादा होता है और निकोटीन हमारे डिस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। दो कॉमन स्लिप डिस्क की समस्याएं होती हैं, एक होता है L4-L5 डिस्क और दूसरा होता है L5-S1 डिस्क, जिनको ये पेन होता है और अगर वो डायग्नोस कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनको किस एरिया में इस डिस्क की समस्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, लेकिन कौन से ऐसे लक्षण आपको देखने हैं जिससे आपको श्योर हो जाए, तो चार चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है। पहला, अगर आपके आर्म्स यानी कि आपके जो हाथ हैं और आपके कंधे हैं उनमें झंझनाहट होती है या फिर वो बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं, या फिर जब आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आपको कमर में, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा, आपको वीकनेस और आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें थकावट रहती है। चौथा दोस्तों, एक साइटिका पेन होता है जिसके ऊपर एक फुल वीडियो है, उसमें आपके किसी एक पैर में, स्पेशली एक पैर में पीछे हिप में आपको तेज तीखा दर्द होता है, उसका भी कारण आपकी बल्जिंग डिस्क हो सकता है। तो ये आपको 4-5 जो लक्षण मैंने बताए हैं वो आपको देखने हैं, और अगर आपको ये लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी राइट डायग्नोसिस होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमें लक्षण दिखाई दे रहा होता है उसका कारण कोई और होता है और हम कुछ और उसके ऊपर इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे सलाह लें, वो एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करके तुरंत आपको बता देंगे कि आपके किस एरिया में डिस्क की समस्या है और ये भी बता देंगे कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। ये टेस्ट कराने के बाद दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आपको माइल्ड समस्या है, मॉडरेट समस्या है या फिर सीवियर है। जो आसन मैं आज आपको करा रही हूँ वो आपको माइल्ड से लेकर के मॉडरेशन तक ही करनी है, बट जिन लोगों को सीवियर पेन है, जिसमें मेनली क्या होता है कि आपकी डिस्क की जेली बाहर टूट के निकल जाती है, जो कि काफ़ी सीवियर केसेस में होती है, ऐसे पेशेंट का उठना, चलना, बैठना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं। तो अपने शरीर को पहचानिए, आप देखिए कि आपका शरीर कितना केपेबल है, फिर ये आसन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वो चार आसन करते हैं जो आपको स्लिप डिस्क में बहुत ज़्यादा आराम देंगे। अगर डायग्नोसिस के बाद आपको पता चलता है कि आपको ये समस्या है, तो
उसके उपचार से पहले जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या हमारे मूवमेंट और हमारी डेली की गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। चार चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। पहला, सामने की तरफ झुकना। जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमारी डिस्क की जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे की तरफ और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमें जो समस्या है, जो पेन है, वो और ज़्यादा होता है। तो स्लिप डिस्क में आपको सामने की तरफ नहीं झुकना है या सामने की तरफ झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। दूसरा, आपको कोई भी भारी सामान झटके से नहीं उठाना है, यानी कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। जिम में भी अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और स्लिप डिस्क की समस्या है तो तुरंत आप वेट ट्रेनिंग को बंद कर दीजिए। तीसरा होता है साइकिलिंग। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो उसके मूवमेंट के कारण भी हमें स्लिप डिस्क की समस्या हमारी बढ़ सकती है, तो कोशिश करें कि आप साइकिलिंग ना करें। वैसे साइकिलिंग अच्छी होती है, लेकिन स्लिप डिस्क में आपको अवॉइड करनी है। चौथा होता है क्रंचेज या सिटअप लगाना। जब आप कभी जिम गए होंगे तो आपने देखा होगा, हम अपने एब्डोमिन के लिए एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमें क्रंचेज लगाने होते हैं, तो वो क्रंचेज आपको अवॉइड करने हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। अब क्या करना है वो हम अगले भाग में जानते हैं। चार आसन करेंगे जो आपको आपके दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देंगे। सबसे पहला आसन है मर्जरी आसन, बितली आसन, जिसको कैट काउ पोज कहते हैं। ये दो पोजेस से मिलकर बना है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो आपने दोनों हाथों को सामने लिया और आप क्या देखेंगे इसमें, जो आपकी रिस्ट है और आपके कंधे हैं वो एक लाइन में होंगे। फिर सामने आप देखेंगे, पैरों के बीच में आप अपने हिप के बराबर गैप ले लेंगे। तो ये हो गया टेबल टॉप। फिर मेरी पीठ पर आप ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ ना रह के आपको पीठ एकदम सीधी करनी है, कंधे थोड़े से आप उठाएंगे। तो यहाँ से ये आसन शुरू होता है। सांस हम लेते हुए देखिए इस तरीके से पूरा गर्दन ऊपर उठाएंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरीके से पूरी पीठ ऊपर उठाएंगे, अपनी गर्दन को बिल्कुल चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे। ये मर्जरी आसन है। सांस भरेंगे, फिर से पीछे ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है बितली आसन, यानी कि काउ पोज। तो कैट काउ, छोड़ते हुए नीचे और बहुत धीरे धीरे कीजिएगा, फील कीजिएगा अपनी स्पाइन में। बहुत अच्छा मसाज देती है ये एक्सरसाइज। पूरा ऊपर लेके जाएं। इस आसन को आप रोज़ाना करें। कितनी बार करना है? कम से कम 10 से 15 बार। धीरे धीरे कीजिए। पूरा होने के बाद टेबल टॉप में आ जाए। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से फिर वज्रासन में बैठ जाएं। तो पहला आसन ये आपको करना है 10 से 15 बार। दूसरा आसन है सलम भुजंग आसन, स्विंग्स पोज। बहुत ही आसान है। जितने भी मैं आसन आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को पेन है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये ज़रूर करने हैं, और बहुत आसान है। ऐसा कोई आसन नहीं है जिसको करने में आपको दिक्कत होगी। अगर मैट नहीं है तो आप इसको बेड पे भी कर सकते हैं। तो आपको पेट के बल लेटना है इसके लिए। इस तरीके से सामने की तरफ देखेंगे और सांस भरते हुए आपको अपना ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा है उसको उठाना शुरू करना है सांस लेते हुए। इसके बाद आपको अपने कोहनी पर इस तरीके से बैलेंस करना है। फिर इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आपके जो दोनों पैर हैं वो आपस में जुड़े हुए हों। फिर आपके जो हिप्स हैं उनकी मसल्स को आपको एकदम टाइट करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप कम से कम 5 सेकंड रुकेंगे। 2, 3, 4, 5 और पूरे समय आप सांस लेते रहें। जब 5 का काउंट ख़त्म होगा उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर सांस भरेंगे और 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरिए और छोड़ते हुए फिर बॉडी को नीचे लेके आइए। आपको पूरा स्ट्रेच इस जगह पे फील होना चाहिए। ये आपको खुद देखना होगा। तो कैसे करेंगे, महसूस कैसे करना है, एकदम से अपने हिप्स को टाइट करें। सांस लेते हुए उठें, 5 सेकंड के लिए रुकें और फिर धीरे से आपको नीचे आ जाना है। ऐसा कम से कम आप 10 बार करें। जब ये हो जाए तो आप या तो डायरेक्ट ऐसे उठ के आ जाएं या फिर करवट लेके। तो ये हुआ दूसरा आसन।
तीसरा आसन है दोस्तों लोकस पोज, यानी कि सलभ आसन। पहले जो आपने सलम भुजंगासन में देखा होगा, उसमें देखा होगा आपने अपर बॉडी को हम लोग मूव कर रहे हैं। लोकस पोज में ऑपोजिट होता है, इसमें हम लेग्स के साथ काम करते हैं और दोनों का ही काम होता है हमारी रीढ़ की हड्डी को मसाज देना, जिससे हमारे पेन में थोड़ा आराम मिले। और फिर शुरू करने के लिए इसको भी आप पेट के बल लेट के शुरू कीजिए। दोनों हाथों की हथेली को हिप जो आपके थाई है उसके नीचे रख लेना है। हथेली का जो ऊपर वाला भाग है ये आपकी थाई की तरफ रहेगा और आप सामने की तरफ देखेंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, फिर सांस भर के एक पैर उठाएंगे, जितना हो सके उठाइए और देखिएगा इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और आँखों को सामने की तरफ रखें, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। कम से कम 5 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करें और देखिए मेरी जो उंगलियाँ हैं पैरों की कैसे पॉइंटेड हैं। 2, 3, 4, 5 सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल इजी है। फिर सांस भरें, 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरें और छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। जब पैर ऊपर होगा तो सांस लेते रहेंगे, ये ध्यान रखिए। फिर सांस भरें और दोनों पैर उठा दें, 1, 2, 3, 4, 5 फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से, ऐसा हमने ये एक राउंड किया है। आपको कम से कम 5 बार इस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों आखिरी आसन कर लेते हैं, सुप्त बद्धकोण आसन। अगर 3 आसन जो मैंने आपको बताए हैं किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो ये आसन ज़रूर करें। इसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। इसको आप सोने से पहले बेड पर भी कर सकते हैं। तो एक आपको ऐसा लंबा तकिया चाहिए होगा, अगर आपको आपके पास ऐसा बोल्स्टर नहीं है तो कोई भी मोटा तकिया भी चलेगा, और एक छोटा तकिया। तो यहाँ पर मैंने ये कुशन लिया हुआ है और एक बेल्ट। और ये बेल्ट अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप ख़रीद लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, या फिर कोई भी सूती कपड़े का कॉटन का दुपट्टा भी चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें ये करना है। ये सपोर्टेड सुप्त बद्धकोण आसन हो गया, सपोर्टेड, जिसमें हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ज़्यादा आराम मिल सके। तो जो बोल्स्टर है उसके सामने आपको अपना टेलबोन रखना है। टेलबोन मतलब आपका जो लोअर बैक है उसका मिडिल बीच वाला हिस्सा, उसको बिल्कुल सामने रख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी 4 जो उंगली हैं उसको बीच में रखेंगे, इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल टाइटली टच करते हुए नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस। जब ये हो जाए फिर हम देखते हैं कि कैसे हमें ये बेल्ट लगानी है। तो इस बेल्ट को लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए इसके जो 2 आगे हुक्स दिए हुए हैं इसमें हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद पलट के दूसरे वाले हुक में, और अगर दुपट्टा है तो दुपट्टे का हमें इस तरीके से बस एक, बेसिकली हमें इस तरीके से एक गोल बेल्ट टाइप बनानी है ताकि हम इसको अपनी कमर में लगा सकें। और लगानी कैसे है कमर में, बिल्कुल सिंपल है, अपने सर से और कंधे से होते हुए इसको पूरा नीचे तक ले जाएं। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को, क्योंकि ये बद्धकोण आसन है, बद्धकोण आसन में आप क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपस में टच करा देंगे। दोनों पैरों के तलवों को टाइटली टच करा लिया। टच कराने के बाद हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट है इसको दोनों पैरों से इस तरीके से क्रॉस करा दिया, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये दिखने लगेगा। इसके बाद अपने पैरों के हिसाब से आप इसको टाइट कर लें। कितना टाइट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे जब आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे पूरा लगाने के बाद, ये देखिए, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आपको लगे कि जब आप बैठ रहे हैं तो आपकी जो बेल्ट है वो आपके हिप को थोड़ा सा पकड़ रही है, तो उतनी हमें टाइटनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। और बेल्ट आपकी कहाँ आनी चाहिए, अगर आप देखेंगे तो जो मेरा टेलबोन है पीछे, जहाँ पर आपका, जैसे आप पेंट वगैरह पहनते हैं या जो भी लेगिंग्स पहनते हैं जहाँ पे वो ख़त्म होती है बेल्ट, वहीं पर आपको लगाना है। तो ये देखिए सामने इस तरीके से देखेंगे और सांस को पहले लेंगे अंदर और फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। ये जो पीछे गैप है हमें लेटते वक्त चाहिए होता है ताकि हमें आसानी से सपोर्ट मिल सके।
तो ये इस तरीके से रखा रहेगा और आप सांस को लेते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये देखिए, इस तकिए को आप आराम से लगा लें, सर को ऐसे रख लें। अब आप देख रहे होंगे कि ये तकिया मैंने क्यों यूज़ किया, जिससे मेरे सर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सर नीचे नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या होती है या साइटिका की या लोअर बैक पेन की, तो आपको पूरा नीचे गर्दन जब आप झुलाते हैं तो और भी ज़्यादा पेन होता है, तो ये तकिया बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरा सपोर्ट मिल सके। और ये देखिए, इस तरीके से ये बेल्ट आपकी आपको सपोर्ट देगी और आप इस एक्सरसाइज को डेली कीजिए, बहुत ज़्यादा आराम देती है। दोनों हाथों को आपको क्या करना है, सांस भर के ऊपर की तरफ पूरा ले जाएं, आंखें बंद कर लें और कम से कम 10 मिनट आप इसी तरीके से लेटे रहें। अगर आप ऐसे जब थाइस को नीचे रख रहे हैं आपको पेन हो रहा है, तो दो तकिए और लेके आप अपने थाइस के नीचे रख सकते हैं और अपने हाथों को अपनी पैली पे रख के बस नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। एक म्यूज़िक लगा लें, 10 से 15 मिनट आपको बस ऐसे लेटे रहना है। तो जो नीचे प्रेशर आ रहा है मेरे बोल्स्टर से और जो बेल्ट से मैंने टाइट किया हुआ है, इससे आप देखिएगा आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। दस मिनट होने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलिए और हाथों का इस तरीके से सपोर्ट लेके धीरे से आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये हुआ सुप्त बद्धकोण आसन। अगर आपको स्लिप डिस्क का बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप कपालभाति और भस्त्रिका थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, और अगर आप करते भी हैं तो उसकी स्पीड स्लो या मीडियम आपको रखनी है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि स्लिप डिस्क की आपकी समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। योगा को आप थोड़ा सा मौका दें, साथ में जो परहेज करने हैं वो भी ज़रूर फॉलो करें। तो फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।